أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العظيم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل نعمت افطار کا آغاز ہو گیا کراچی سٹوڈیو سے اور قاری بہی ظفر قاسمی صاحب دی پرائیڈ آف پاکستان دی پراؤڈ آف پاکستان کی خوبصورت تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے ہماری نشریات کا ہمارے گروپ کی نشریات کا آغاز ہوا کرتا ہے قاری صاحب
आज भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। रोज़ाना हुफ़्फ़ाज़े किराम माशाल्लाह कारी साहब आप मुंतखब फरमा रहे हैं जी जी। और हमने इन तकरीबन 5 राउंड्स में 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम को 6 जो है सेलेक्ट कर लिया। जी हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है कारी साहब, ये जो हुफ़्फ़ाज़े किराम कल जो थे जी जी, जिनकी दोनों के दरमियान टाई हुई है जी जी, मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि वो अब तक के सबसे बेहतरीन हुफ़्फ़ाज़े किराम थे। याददाश्त और उसने मुझे याद है कि जो सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एक बच्चा आया था पहले, सबसे पहले, वो भी बहुत अच्छा सेलेक्ट जो हाफिज है। और माशाल्लाह कल जो आए थे ये तो बहुत, दोनों बहुत अच्छे हाफिज हैं माशाल्लाह, और क़िराअत बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल, तजवीद भी बहुत अच्छी है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, पढ़ने का अंदाज़ भी, याददाश्त भी माशाल्लाह। तो अब यह है कि जो आगे अभी आएंगे मुकाबले, सही, अब मैं इनसे कहूँगा कि और ज़्यादा तैयारी करें, जो सेलेक्ट हो गए हैं बिल्कुल उनके चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए कि आगे मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और अशरा रहमत का पहला जुमातुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ एहतियाती मामलात के पेश नज़र अक्सर लोगों ने जुमा की नमाज आज इज्तमाई तौर पर अदा नहीं की और नमाज ज़ोहर ही पढ़ी है। तो मैं उन तमाम लोगों को हौसला देना चाहता हूँ कि देखें, कल सुबह जब रहमत सहर में मेरी बात हुई, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब मौजूद थे, मैंने सवाल पूछा कि जब रियासत किसी कानून पर हम सबको पाबंद करती है या हम पे लागू करती है तो हम पे शरई तौर पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। तो उन्होंने फरमाया शरई तौर पे हमें उसकी पाबंदी करना हम पे लाजिम व मलजूम है जब रियासत हमारी भलाई की खातिर कोई कानून लागू करती है, और अगर उसमें हमारी भलाई ना भी होती, वो रियासती कानून होता, तब भी शरीयत मुतहरा हमारी रहनुमाई करती है कि हमें उसकी पासदारी करनी है, उन कवानीन की पासदारी बजा लानी है। तो आज माशाल्लाह पहला जुमा अशराए रहमत का, रमज़ान मुबारक का, रहमतों की छमा छम बरसात हो रही है, हम घरों में बैठकर भी इन रहमतों को समेट सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है? ज़िक्र खुदाबंदी। वो मौलाना रूम ने लिखा था, याद ऊ सरमायाए ईमा बुवद, याद ऊ सरमायाए ईमा बुवद, हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बुवद, हर गदा अज याद ऊ सुल्तान बुवद। तो हमारे साथ दोनों हुफ़्फ़ाज़े किराम मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। हज़रत हाफिज़ अमीर हमज़ा जी, हाफिज़ अमीर हमज़ा और वल्द इंतज़ार हुसैन, हाफिज़ अमीर हमज़ा वल्द इंतज़ार हुसैन की उम्र है 16 साल, हाफिज़ अहमद आवान वल्द आज़म आवान की उम्र है 14 साल। तो पहले हाफिज़ अमीर हमज़ा आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तैयार हैं आप इम्तिहान के लिए? जी। कारी वही जफर कासमी साहब ले रहे हैं आज आपका इम्तिहान जी, ठीक है कारी साहब बिस्मिल्लाह। अमीर हमज़ा, आपको मालूम है ना कि कुरान के आखिरी 10 सिपारों में से मैं आपसे पढ़वाऊँगा, तो आपको पढ़ना है, और एक आखिर में सवाल करूँगा आपसे कि कोई भी मैं आयात पढ़ूँगा तो आप बताएँगे वो किस सूरत में है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ये आयत दोबारा पढ़िए। इन الذين يقضون أصواتهم إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بس بيتا صدق الله پڑھیے صدق الله پڑھ دیجئے صدق الله العظيم. अच्छा बेटा ये बताइए अमीर हमज़ा कि इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तुतिअ मिनहुम आथिमन औ कफूरा. ये आयात कौन सी सूरत में है कुरान की? मैं एक दफ़ा फिर पढ़ दूँ. इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. یہ قرآن کی کون سی صورت میں ہے؟ چلے میں آپشن دیتا ہوں آپ کو, سورہ قیامہ یا سورۃ الدہر؟ سورۃ الدہر ہے. بالکل صحیح بتایا آپ. ٹھیک ہے سورۃ الدہر, لیکن ایک بات ہے قاری صاحب, جب آپشن دے دیتے ہیں تو پھر مارکنگ کم ہو جاتی ہے, جب آپشن نہیں دیے ہوتے. قاری صاحب کا یہ انداز بھی میں نے اسے پرکھا ہے, قاری صاحب جب آپشنز دے دیں تو پھر قاری صاحب یادداشت کے نمبر میں ایک آدھ نمبر کم کر دیتے ہیں, لیکن آپشن دیے بغیر جو جواب دے قاری صاحب اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس کی یادداشت کو قاری صاحب بہت زیادہ سراہتے ہیں. میں امیر حمزہ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بیٹا جب بھی مد متصل آئے نا, ٹھیک ہے, وراء یعنی اولائکا, ٹھیک ہے, وراء ٹھیک ہے, پڑھا تھا نا ابھی انہوں نے, اس پہ مد متصل ہے تو مد متصل کو زیادہ کھینچنا ہوتا ہے تقریباً, اگر یہ چار الف کے برابر بھی کھینچے جب بھی ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے حافظ صاحب ننے منے حافظ قرآن, حافظ احمد آوان ولد اعظم آوان, عمر ہے 14 سال, اور 14 سال کی عمر میں ماشاء اللہ حافظ قرآن بنے. آئیے حافظ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ حافظ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اچھا حافظ صاحب, آپ نے نا ہمارے جو چیئرمین ہیں نا حاجی عبدالرؤف صاحب, ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا موقع فراہم کیا دنیا بھر کے ناظرین آپ لوگوں سے قرآن سننے, اور دن میں بھی تراوی کی خوشبو آ رہی ہے ماشاء اللہ, جب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ تراوی کا سما ہے. اچھا حافظ احمد آپ تیار ہیں بیٹا؟ جی. چلیں قاری صاحب آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں. جی قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بس بيتا أم خلقوا بس من غير شيء أم هم الخالقون. بس بيتا بس أم خلق صدق الله پڑھئے صدق الله العظيم. اچھا بیٹا احمد ایوان بڑے غور سے سنیے گا جو آیات میں پڑھ رہا ہوں, بتائیے گا کس صورت میں ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. میں ایک دفعہ سورة النجم. بالکل ٹھیک بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ احمد آوان حافظ امیر حمزہ دونوں نے بہت اچھا قرآن پڑھا,
लेकिन देखिए फैसला तो मुनसिफ ही करेंगे। हाफिज अहमद अवान, मैं नहीं जानता है बच्चा कौन है, लेकिन इसकी तिलावत बहुत ज़्यादा दिल को छू रही थी, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। अमीर हमजा, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन फैसला होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, और फैसला करेंगे द प्राइड ऑफ पाकिस्तान कारी वही जफर कासमी। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में हिफ्ज़े कुरान का सेगमेंट और दोनों हुफ़ाज़े कराम का टेस्ट लिया कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब ने। उसने सौत, याददाश्त, अदायगी, इन तमाम तर चीज़ों के नंबर्स हैं, मार्किंग है। कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और मुस्तकिल बताते भी रहते हैं। दोनों हुफ़ाज़े कराम ने बड़ा तासुर कायम किया, लेकिन छोटे वाले जो हाफिज़ साहब थे वो तो दिल में ही उतरते चले गए। और मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो चेयरमैन है हमारे हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने दिन की रोशनी में भी तरावी का माहौल बना दिया है। ये जो बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तरावी का समा है और खुशबू कुरान की आ रही होती है। माशाल्लाह, ये कुरान से उनकी वाबस्तगी और वालिहाना मोहब्बत है। हम इन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा हमने सेलेक्ट किया है, ये कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब ज़ाहिर मुनसिफ हैं, वो अथॉरिटी हैं, उन्होंने किसको सेलेक्ट किया है ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब से ना सुनेंगे, जो हमारी टीम की फरमाइश है। इस्माइल जलाली भाई से गुजारिश करूँगा कि माइक ज़रा मुझे भिजवा दें, ताकि मैं कारी साहब के साथ जो है नात शरीफ में शामिल हो जाऊँगी। अभी सादत मंदी होती है कि कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब के साथ नात में शामिल हुआ जाए। और नात शरीफ जिसके लिए फरमाइश की गई है हमारी टीम की जानिब से, आप जो हमारी टेक्निकल टीम है इफ्तार की नेमत इफ्तार की, और वो नात है मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। इस्पेशली द मोमेंट वॉज के जब कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब रोज़े रसूल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए थे, और उस वक्त मैंने कारी साहब ने मुझे बताया कि उस वक्त मुझे नात शरीफ सिर्फ यही याद आ रही थी कि मैं, जी मुझे दे दें आप माइक, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में। कारी साहब यही नात पढ़ते थे, ठीक है लाइए। तो उस वक्त कारी साहब ने कहा वहाँ तो ऊँचा भी बोलना मना है, और वहाँ तो इंसान चुप रहकर आंखों से बात करता है। अल्लाहु अकबर, सोजे दिल चाहिए चश्मे नम चाहिए। अदब की जगह है, बड़ी जाए अदब है जहाँ जाकर खड़े होते हैं। आदाब का तकाजा जंबिश ना हो बदन, जी हाँ बिल्कुल, दिल वजद कर रहा है दरबार दरबार। अब हम पढ़ेंगे मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा में, उसके बाद नतीजा। कारी साहब, पूरा आलम इस्लाम इन्हें माक से सुने, कारी वही ज़फ़र कासमी नात शरीफ पेश कर रहे हैं। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में, सुभान अल्लाह। मेरा खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, सुभान अल्लाह सुभान। क्या अब मुझ पर करम न होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में,
अब तो मैं आ गया हूँ दरबारे मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबारे मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबारे मुस्तफा में। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आह वो आलम के आंखें बंद और लब पर दुरूद, आह वो आलम के आंखें बंद और लब पर दुरूद, वक्फे संगे दर जबी रोजे की जाली हाथ में, वक्फे संगे दर जबी रोजे की जाली हाथ में। सुभान अल्लाह क्या बात है। अच्छा जी खालिद साहब, जल्दी से जो है रिजल्ट समय अनाउंस करने पड़ेंगे। हाफिज अमीर हमजा और हाफिज अहमद आवान दो उफाज़े किराम ने आज हमें टेस्ट दिया है सिक्स सिलेक्शन राउंड में। छठा बच्चा कौन सा होगा, बल्कि सातवां मैं कहूंगा क्योंकि कल टाई हुई और दो फाजे ग्राम का इंतखाब हो चुका। जी कारी साहब, अच्छा कारी साहब आपने बैलेंस कर दिया कल की टाई के बाद, जो पहले रोजे को हमने टेस्ट नहीं लिया था वो तादाद बराबर हो गई, यानी सातवें रोजे को सातवां बच्चा। बिस्मिल्लाह कारी साहब कौन है आज? मैं सबसे पहले तो अमीर हमजा और अहमद ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दोनों ने माशाल्लाह कुरान की तिलावत की, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और रमजान शरीफ में आपने पढ़ा है तो अल्लाह ताला इसको इसका अजर व सवाब आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इनायत करेगा इंशाल्लाह। तो अमीर हमज़ा के लिए मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पढ़ा तो अच्छा है, लेकिन उनकी जो तजवीद है, मुझे तजवीद बेटा आप ज़रा उसमें कोशिश करो उसको और अच्छी करने की। और दूसरे अहमद ऐवान जो हैं, इन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है और वाकई जैसा कि आपने कहा कि दिल में उतर जाने वाली आवाज़ थी और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह। तो मेरे लिहाज से आज अहमद ऐवान जो है ना, क्या बात है, हाफिज अहमद ऐवान सेलेक्ट हो गए सेमीफाइनल राउंड के लिए। और हाफिज अहमद ऐवान अब आपने जब आना है सेमीफाइनल राउंड में तो भरपूर तैयारी के साथ आना है, क्योंकि कारी भाई जफर कासमी आपका जो इम्तिहान है वो पहले से मुश्किल तरीके से लेंगे और वो आयात जो होंगे उनका इंतखाब भी उन मकामात से होगा जहाँ से इम्तिहान आमतौर से हुफाज़े किराम को देना मुश्किल होता है। सबकी और मंजिल का जब हमारा टेस्ट होता था तो जब कारी साहब का मूड अच्छा होता तो आसान टेस्ट लेते थे, और जब कारी साहब का मूड अच्छा नहीं होता था, ये मैं अपने कारी साहब की बात कर रहा हूँ कारी भाई जफर कासमी साहब की नहीं, तो वो इम्तिहान ज़रा कड़ा लेते थे। तो आप अब चूँकि सेमीफाइनल में मूड अच्छा हो या ना, कारी साहब तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मूड अच्छा ही होता है, लेकिन सेमीफाइनल की ये रिक्वायरमेंट है कि सेमीफाइनल राउंड में टेस्ट को मुश्किल किया जाए और फिर फाइनल में उससे भी ज़्यादा मुश्किल किया जाए, क्योंकि फाइनल राउंड में ये उस राउंड की रिक्वायरमेंट भी है कि टेस्ट को मुश्किल अंदाज से लीजिए। बहरहाल हुफाज़े किराम ने टेस्ट दिया और हाफिज़ अहमद ऐवान आपको मुबारक हो, आपने सेमीफाइनल राउंड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। कारी भाई जफर कासमी साहब से एक शेर सुनेंगे, फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, और उसी पर ब्रेक। ब्रेक के बाद सजेगी बज़्मे उलमा, मुल्क पाकिस्तान के अकाबिर जय्यद मुस्तनद और मजबूत उलमा इकराम ARYQ TV का हिस्सा होंगे और आज मौजू-ए सुखन होगा कनाअत, तो कनाअत पे बात करेंगे उलमा इकराम के साथ एक वक्फे के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, फासलों को से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते थक जाएंगे, जैसे ही
سبز گنبد نظر آگے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آگے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے